अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह फ्लाइंग बैट एनिमेशन इन पावर पॉइंट में हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने PNG डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से। तो ये फ़ोटो मैंने एक डाउनलोड कर ली है PNG में, याद रहे PNG में आपने ये डाउनलोड करनी है। अगर आप यहाँ से ही साइट क्लिक कर सेव कर लेते हैं तो वो PNG नहीं होगी। आपने इसको ओपन करके इसमें सेव एज कर लेना है। तो मैंने ये सेव कर लिया। इसके बाद हम जाते हैं अपने पावर पॉइंट में। तो यहाँ आने के बाद हमने सबसे पहले हमने अपना एक जो बैकग्राउंड है वो लेना है। तो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं जो बादलों की तरह होता है, वो मैंने जहाँ से इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे तो इसमें ये आ जाएगा। तो ये आप इस तरह आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो उसका आप जो है पहले बैकग्राउंड सेट कर लें। तो क्योंकि मैं बादल बनाना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसे ब्लू करके इसे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो है हम इसका जो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि ब्लू जो है वो ऊपर आ जाए और वाइट जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो इसके बाद मैं जो वो वाली जो फ़ोटो हमने डाउनलोड की थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वो भी डाउनलोड में ही पड़ी हुई होगी तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो आपने बैकग्राउंड बनाया है, बैकग्राउंड के ऊपर आपने वो वाले फ़ोटो जो है वो आपने लगा देना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा छोटा करके एक साइड पर रख लेना है। तो सबसे पहले आपने इसको अपने जो आप जगह पर सेट कर लें। तो आप कोई भी चीज़ अगर बनाना चाहते हैं इसके अलावा, आप और किसी चीज़ का कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह सेट करके उसका साइज वगैरह सेट करके एक साइड पर आप रख लें। यहाँ पर याद रही आपने यहाँ पर अपना जो इसका साइज़ होगा, जो आपने चीज़ लेकर आनी है यहाँ पर उसका साइज़ जो है आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर एनिमेशन में। एनिमेशन में जाकर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एनिमेशन में जाने के बाद हमने ये कस्टमाइज बिट पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद हम इसको अपनी मर्ज़ी की तरफ जिस तरह हम इसको लेकर जाना चाहते हैं स्क्रीन पर, इस तरह हमने लाइन लगाते जाना है तो वो ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये आपने देखा मैंने वो लाइन जो कस्टमाइज करके मैंने लगा दी है। तो इसके बाद जिस तरह मैंने लाइन लगाई थी उसी तरह ये जो है परिंदे जो है वो आ रहे हैं। तो अगर आपके परिंदों की जगह कोई और चीज़ है तो आप उसके हिसाब से आप जो है ये कस्टमाइज़ करके आप जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ी इसकी जो टाइम है वो पहले 2 सेकंड पर थी तो मैं इसको 3 सेकंड पर कर देता हूँ, बल्कि 5 सेकंड पर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत ये बन गया है, इसका एनिमेशन जो है वो बन गया है। तो इसी तरह आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और परिंदे की बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ये आप फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस तरह आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।